स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, एज वी नो के जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं वो स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल पे इट्स लाइक कंपलसरी सब्जेक्ट, हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, स्कूल में भी और कॉलेज में भी हम पढ़ते हैं। तो जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो होती है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में रखा जाता है ये सब्जेक्ट इसलिए ताकि लोग को वो एजुकेशन मिले एनवायरमेंट के बारे में, उनको अवेयरनेस हो, उनको जानकारी पढ़ने और वो उसके बारे में जाने के एनवायरमेंट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर एनवायरमेंट को प्रिजर्व नहीं किया उसकी क्वालिटी को तो फ्यूचर जनरेशन जो है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे एंसेस्टर्स को मिलती थी वो हमारे पास है, चाहे वो मतलब जो हमारे एंसेस्टर को मिलती थी वो हमारे पास नहीं है, चाहे वो मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ या फ्रूट्स की बात करूँ या फिर कोई एनिमल की या बर्ड की। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आज के टाइम में डिसअपियर हो गई है, उनका एग्जिस्टेंस पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को बराबर से हमको ऐसा लगता है कि अभी भी सारे लोगों के पास एजुकेशन है और लोगों को पता है एनवायरनमेंट के बारे में, बट स्टिल सम पीपल आर नॉट अवेयर। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल स्टडी को कि उसको जानना, उसके बारे में जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में समझना। तो एनवायरनमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी, आइदर इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग, फॉर एवरी वन एनवायरमेंट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो एनवायरमेंट स्टडी इन्वॉल्व्स एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इफ एनवायरमेंट इज नॉट प्रॉपर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री देन द कंट्री विल नॉट गेट यू नो रिन्यूएबल रिसोर्सेस और कंट्री विल नॉट कंट्रीज इकोनॉमी विल नॉट डेवलप इन शॉर्ट। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके कुछ पॉइंटर्स है, लेट्स सी, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग अवेयरनेस, सेकेंड इज मोटिवेटिंग पीपल, थर्ड पॉइंट डेवलपिंग स्किल्स एंड फोर्थ पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फिफ्थ पॉइंट इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, इसे जितना मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया है उसी तरीके से आप आंसर लिखिएगा, सो यू विल स्कोर इंटायर 5 मार्क्स इन योर पॉकेट आई कैन से। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग अवेयरनेस, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ डेवलप एन अवेयरनेस, क्रिएट अवेयरनेस एंड एडुकेट द पीपल अबाउट द सेंसिटिविटी टू द टोटल एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। जब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट तो हमको पता चलता है कि हाँ ये प्लांट कैसा है या फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज कैसी है या फिर वाटर के कॉम्पोनेंट्स क्या है, हमें उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी मिलता है, पढ़ने को जानकारी मिलती है और ये जानकारी और फिर कुछ प्रॉब्लम्स है तो क्यों है एनवायरनमेंट में, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उस बारे में हम जान पाते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो पोल्यूशन फॉर एग्जांपल जैसे कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जो भी हमारा गार्बेज वगैरह है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, जैसे कि वेट और सॉलिड उसको मैनेज करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट को अलग, वेट मैनेजमेंट अलग होना चाहिए। तो इस तरह से हमको जानकारी मिलती है, फिर रास्ते पर थूकना नहीं चाहिए, ये सारे पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक जो ये किससे हमको पता चल रहा है, इन शॉर्ट एनवायरनमेंट से पता चल रहा है। सो एनवायरनमेंट स्टडी जो है वो हमको बताता है कि किस तरह से हमको जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसे कम करनी है और किस तरह से हमको एनवायरमेंटल हैबिट्स को डेवलप करना है और एनवायरमेंट को अलाइव रखना है, उसे मतलब कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है इन शॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलती है, आप जब एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हो, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग पीपल, सो एनवायरनमेंट स्टडी मोटिवेट्स द पीपल फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। जो भी मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे कि हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, फिर एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है,
तो जो अलग अलग डेज हमने बनाए हैं इसको, ये क्या करता है, ये सब एक तरह की एक्टिविटी है। तो ये लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जैसे बीच क्लीनिंग हो गया, ये भी एक एक्टिविटी है एनवायरमेंट के रिलेटेड। फिर इको फ्रेंडली राखी मेकिंग, इको फ्रेंडली गणेशा आइडल, तो ये सब क्या है, ये जो है दीज आर द एक्टिविटीज़। तो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो उसके बारे में सोचते हैं और उसके लिए वो रिएक्ट करते हैं और राइट वे में एक्शन लेते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में आपने देखा होगा, गणपति जब भी होता था तब जो बीच वगैरह रहते थे आपको वहाँ पे ऐसे सारी टूटी फूटी हुई पड़ी हुई मिलती थी नेक्स्ट डे पे। बट अब ऐसा नहीं है, अब लोगों को पता चल गया कि नहीं इको फ्रेंडली लेना है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही या फिर वैसे पूल जैसा बनाते हैं और उस पानी में ड्रम में वहाँ पे ही वो मट्टी वाली होती है और उसमें ही डंप कर देते हैं। और जो उससे जो पानी बचता है, मतलब जो पानी मिलता है, वो पानी को पेड़ों में यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ वी कैन से कि ये क्या है, लोगों को एक पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने मिल रहा है जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि इम्प्लीमेंट नहीं करता। सो दिस इज़ कॉल्ड मोटिवेटिंग पीपल। आगे हैं डेवलपिंग स्किल्स। तो डेवलपिंग स्किल फॉर एक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये जो एनवायरमेंट है हमको सिखाता है किस तरह से स्किल्स को डेवलप करना है, किस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर पानी का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है या पानी, तो हम ध्यान देंगे कि हाँ किन वजह से वो पानी में भी कहीं लीकेज होगा उसकी वजह से। तो पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो हमको उसको क्या करना है, वो वेस्टेज को कम करना है, है ना। उसी तरह से जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग रास्ते पे कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, जो कचरा होता है तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो इस तरह से क्या करता है, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं लोगों में एक स्किल को ये डेवलप करता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। टू इम्बाइब एंड इनकल्केट द नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है ये लोगों को इनकल्केट करती है कि हमको समझना है कितना नेसेसरी है, कितना ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। अगर हम आज ऐसे ही उसको वेस्ट कर देंगे, इन फ्यूचर जो जनरेशन होगी उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे जगह जगह आप देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे जो फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, उसको पूरा कट कर दिया जाता है कहीं पे इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने में लिए। तो ये क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो प्लांट है, अगर आज हमने इसको कंजर्व करके नहीं रखा तो क्या होगा, कल के दिन फ्यूचर में लोगों को, हमने वो काफ़ी बार ऐड देखा होगा ना कि ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, बाहर जाना है, क्यों नहीं जा रही है बच्ची स्कूल, तो एक ऐड आता है आपने देखा होगा आई एम श्योर। तो वो क्या करती है, अपनी ऑक्सीजन किट का वेट करती है, जब तक उसको ऑक्सीजन किट नहीं मिलती है मतलब शी कांट स्टेप आउट, क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन है और उसकी वजह से उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो शी वॉन्ट दैट कि मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन किट चाहिए, जब तक ऑक्सीजन किट नहीं मिलेगा वो बाहर नहीं जाती है। तो ये क्या है, अगर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्लांट जो है मेन सोर्स है जो हमको हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और हमको क्या देता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है। तो इसीलिए हमको क्या हैबिट करनी है कि अपने किचन में भी, किचन गार्डन आप बना सकते हो, फिर आपकी बैल्कनी होगी या विंडो होगी उसमें भी आप, आपके हॉल में बेडरूम में वहाँ पे आप प्लांट लगा सकते हो, प्लांटेशन कर सकते हो। तो ये आपके कंपाउंड में लगा सकते हो, आपके बिल्डिंग के ग्राउंड में लगा सकते हो, सो दैट यू नो, या फिर जो बीचेस होते हैं आप वहाँ पे जाके लगा सकते हो। जो प्लांटेशन ड्राइव होता है उसमें हम लोग बीचेस पे लगाते हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है उसमें 7 places पे लगाए जाते हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, तो इन शॉर्ट जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वही आपको बताएगी, आपको ऐसे घर में बैठकर तो कोई नहीं बताएगा ऑब्वियसली। इसीलिए ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना और समझना कि हमारे लिए ये पानी है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पानी का बहुत रॉन्ग यूज़ करते हैं, उसको मिसयूज़ करते हैं। आप फेस वॉश कर रहे हो, टैप खुला रहता है और आप फेस वॉश करते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। उससे क्या होता है, पानी वेस्ट होता है। उससे बेटर आप कोई मग में पानी ले लो एंड देन यू वॉश योर फेस, तो इट इज़ अ गुड वे। उससे पानी इतना वेस्ट नहीं होता जितना एक टैप खुला रहता है, आप फेस वॉश लगाते हो फिर आप धोते हो, तो इट कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर, राइट।
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कंजर्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लास्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स. तो मतलब इवैल्यूएशन मीन्स एग्जामिनेशन, स्टडी करते हैं हम एनवायरमेंटल के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ लाइक सोशल वाइज, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वाइज, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल वाइज, इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक फैक्टर वाइज. तो देर आर मेनी एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोग्राम तो एक्चुअल में उन्होंने इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, हम वो चेक करते हैं. अगर कर रहे हैं तभी उसका यूज़ है, अगर एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूज़ नहीं किया जा रहा है तो उसको बना के कोई मतलब नहीं बनता है कि हाँ मैंने तो प्रोग्राम बना दिया है भाई, बट इसको यूज़ करें या ना करें दैट इज़ नॉट माई लुकआउट. तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. यू हैव टू ऑलवेज मोटिवेट द पीपल एंड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस सो दैट पीपल विल एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, है ना. ऐसा नहीं होता, देखो आप बोलोगे मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली अगर आपके 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, 100 को आप बोलोगे, 100 में से मे बी 50 सुनेंगे, 50 इग्नोर करेंगे व्हाट आई फील, और 50 में से मे बी 10 विल टर्न अप, दे विल यू स्टार्ट यूजिंग दैट. तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है वो 100% वर्क मे बी ना करे, बट 50% 30% इट विल वर्क. तो उसका इवैल्यूएशन करना, फिर उसमें देखना कि ये 100% वर्क क्यों नहीं कर रहा है, एंड देन उसको फिर से मॉडिफाई करना. तो ये है एनवायरमेंट. सो ये था एनवायरमेंटल स्टडीज़. आई होप सो ये आंसर था स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. आई होप यू लाइक दिस माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड शो योर लव विद, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट. थैंक यू.